जी हाँ, अर्चना ने खोल दी बिग बॉस मेकर्स की पोल। बीते दिन जब टिकट टू फिनाले टास्क हो रहा था तो अर्चना ने पहले ही कह दिया कि ये टास्क कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि निमृत को टिकट टू फिनाले मिल जाए। और अंत भी वही हुआ, जब प्रियंका अड़ गई कि सुम्बुल को टिकट टू फिनाले में पहुंचाएंगी तो मेकर्स ने कार्य को रद्द करने के बाद निमृत के पास टिकट टू फिनाले रहने दिया। पहले हफ्ते में प्लेट में सजाकर कैप्टेंसी दी, उसके बाद टिकट टू फिनाले दिया, उसके बाद 3 हफ्तों तक लगातार फिनाले के इतने नजदीक आकर निमृत को नॉमिनेशन से सुरक्षित रखा। उसके बाद जब दूसरे कंटेस्टेंट्स को मौका दिया टिकट टू फिनाले जीतने का, उसमें भी निमृत की तरफ मेकर्स की बायस्डनेस साफ साफ दिखी, जिसकी पोल बीते एपिसोड में अर्चना ने खोल भी दी ये कहकर कि टास्क ही निमृत के लिए बना है। वेल, इसी बीच आपको बता दें कि हमारे सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि निमृत कौर आलूवालिया के कॉन्ट्रैक्ट में टॉप 5 में होने की बात लिखी थी, तभी तो निमृत को टिकट टू फिनाले दिया गया। हमें पता चला है कि निमृत बिग बॉस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद मेकर्स ने निमृत को ये गारंटी दी कि वो टॉप 5 में पहुंचेंगी। ये गारंटी लेकर ही निमृत शो में आई थी। अब समझे क्यों फिनाले का टिकट निमृत के आगे परोसा गया, क्यों निमृत को बैठे बैठे फिनाले में पहुंचा दिया गया। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।